आज हमारी जो वीडियो होने वाली है ना वो एक्सपेरिमेंट पे नहीं होने वाली है, वो होने वाली है सेफ्टी पर्पस को लेके। तो ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने की, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे ना, जैसे आजकल एक बहुत न्यूज़ आ रही है, मतलब हर दूसरे तीसरे दिन अखबार में एक ही न्यूज़ रहती है कि किचन में ना सिलेंडर जो होते हैं उसमें आग लगने के कारण वो फट जाता है और काफ़ी दुर्घटना हो जाती है। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं हूँ दिव्यांश और आज हम करने वाले हैं, मैं आपको ना जो कभी कभी सिलेंडर वगैरह में गैस में मतलब आग लग जाती है, जब किचन वगैरह में काम कर रहे होते हैं ना, पाइप में आग लग जाती है, कभी कभी रेगुलेटर के पास आग लग जाती है, तो उसको बुझाने के ना चार पांच ऐसे ट्रिक बताऊंगा जो कि मतलब बहुत आसान है और आप इजीली आग को ना बुझा सकते हो। पर बिना वजह में इसे करने की कोशिश मत करना, अगर इमरजेंसी है तो बिल्कुल करना और आपने शेयर भी करना अपने रिलेटिव को, ठीक है, पर ऐसे बिना उसके बिल्कुल परफॉर्म मत। तो अभी देखो, यहाँ पे हमने एक बड़ा सिलेंडर लिया है और इसमें गैस नहीं है, और ये वाला हमारा सेंडर है छोटा वाला, इसमें गैस है। तो मैं आपको इतने बड़े लेवल पे करके नहीं दिखाने वाला हूं, तो मैं आपको छोटे लेवल पे करके दिखाऊंगा सेफ्टी पर्पस को रखते हुए। और आप भी इसे घर पे ट्राई करने की कोशिश मत करना, क्योंकि बेवजह में इसे ट्राई करना बहुत ज्यादा ना रिस्की हो सकता है। तो गाइस देखो, हमने ये छोटा जो सिलेंडर लिया है ना, इसमें मैं आपको करके दिखाऊंगा, क्योंकि यार ये ना सेफ्टी पर्पस के लिए बड़े सिलेंडर में करना तो बहुत ज्यादा रिस्की हो जाएगा, ठीक है। तो उसको ना साइड रख दो यार, तो उसको हमने साइड कर दिया है क्योंकि वो वाला ना बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा, तो इसमें करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं फर्स्ट ट्रिक करके दिखाता हूँ आपको कि कभी कभी यहाँ पाइप के आगे आग लग जाती है और ये रेगुलेटर जो होता है हमारा वो दूर होता है या बाहर होता है किचन से ना, तो एकदम से इसे कैसे बुझा सकते। देखो तो गाइस, जैसा कि आप, मैं दिखाता हूँ, देखो लोग क्या करते हैं, ऐसे गैस में आग लग जाती है और ऐसे करके ना पानी डाल रहे होते हैं, देखो ऐसे, तो ये पानी से कभी नहीं बुझेगी। तो इसको बुझाने का एक ही तरीका है, अगर रेगुलेटर आसपास नहीं है ना, तो सबसे पहले हाथ यहाँ लेके जाना है और हाथ को ऐसे करके इसकी सप्लाई को कट कर देना है, जिससे सप्लाई कट होगी हमारी गैस बुझ जाएगी और बाद में रेगुलेटर को ऑफ कर देना है। तो फर्स्ट ट्रिक तो ये होगी, अब मैं आपको दिखाता हूँ सेकंड ट्रिक। तो गाइस जो दूसरा तरीका है वो हमारा, कभी कभी ना यहाँ पे आग लग जाती है, ठीक है, तो इसको बुझाने का देखो मैं आपको जला के दिखाता हूँ कि कैसे आग लग जाती है। तो ऐसे आग लग जाती है इसमें ना, तो इसको बुझाना है, इससे घबराना नहीं है, भागना नहीं है, क्या करना है इसमें ना, यहाँ पे हाथ लेके जाना है और एकदम इसकी सप्लाई को कट कर देना है और फिर इस रेगुलेटर को बंद कर देना है और जो हमारी आग है वो बुझ जाएगी और कोई बड़ी दुर्घटना होने से बचाया जा सकता है। और एक और तरीका है, तो गाइस कभी कभी क्या होता है ना, यहाँ पे आग जल जाती है और ये इतना गर्म होता है कि हम इसे छू भी नहीं पाते, तो उसको बुझाने का एक तरीका है और ये नॉर्मल तरीका है, मतलब सब यही वाला तरीका ज़्यादातर यूज़ करते हैं और ये ना बेस्ट तरीका होता है किसी भी आग को बहुत सेफली बुझाने का। तो मैं आपको बुझा के दिखाता हूँ, देखो सबसे पहले हम इसको जला लेते हैं। तो देखो अभी इसमें ऐसे आग जल रही होती है, क्या करते हैं ना, ये जो हमारा कपड़ा है इसको हमें ऐसे मतलब हाथ इसके पीछे रखना है और ये गीला कपड़ा है, तो क्या करना है हमें इसका जो ऑक्सीजन है ना उसको काट देना है। देखो ऐसे करके ये हमारा बंद हो गया और इसको खोलना है और जो हमारा ये गैस निकल रहा है इसको हमें बंद कर देना है। तो जब ऐसे करते हैं ना तो क्या होता है, इससे रैप होने के बाद जो इसके अंदर ऑक्सीजन है वो खत्म हो जाती है और आग हमारी बुझ जाती है। तो एक ये बेस्ट तरीका हो सकता है आग बुझाने का, अगर कभी भी सिलेंडर में आग लग जाए तो इसको रखते हैं साइड। और अब एक तरीका आता है लास्ट जो है हमारा, कि हम बाल्टी से आग बुझा। गाइस कभी कभी होता है कि हमें कपड़े से ना डर लगता है, तो एक तरीका होता है हमारा कि हम बाल्टी से आग बुझा सकते हैं, तो वो थोड़ा रिस्की होता है, तो वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ, पर इसे यूज किया जा सकता है और ये ना बेस्ट तरीका तो नहीं कहूंगा मैं, बट हाँ एक आग बुझाने का अच्छा खासा तरीका है। तो गाइस अभी क्या, हम ना आपको बाल्टी से बुझा के दिखाएंगे कि अगर आपको कपड़े से डर लग रहा है तो आप बाल्टी से बुझा सकते हैं, और मैंने पहले ही बैकअप रखा हुआ है कि हम भी पूरी सेफ्टी के साथ कर रहे हैं इसे ना, तो इसे बिल्कुल घर पे ट्राई करने की कोशिश मत करना बेवजह में, ठीक है। अगर कोई दुर्घटना हो, भगवान ना करे किसी के घर में हो, बट अगर कभी किसी के आस पड़ोस में हो जाए तो तब आप ट्राई कर सकते हैं, बट वैसे ट्राई करने की बिल्कुल कोशिश। तो देखो ये हमने जला लिया और हमें ऐसी करके बाल्टी लेनी है और क्या करना है ना, सीधा सीधा इसके ऊपर ऐसे इसका ऑक्सीजन काट देना है, ठीक है। तो देखो ये बुझ जाए, अब इसको हम बंद कर देंगे। तो भाई जैसा कि आपने देखा, मैंने आप ऐसी ट्रिक बताई है जिससे कि आप इजीली ना और बिल्कुल सेफ तरीके से किसी भी मतलब सिलेंडर में लगी आग को बुझा सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को कर देना एक लाइक, और हमारा ये तरीका है ना, ये छोटे सिलेंडर का जो हमने करके दिखाया, ये सेफ्टी पर्पस को लेके करके दिखाया, पर ये बिल्कुल वर्क करेगा बड़े सिलेंडर में, मतलब एग्जैक्ट वर्क करेगा, जैसा इसमें वर्क कर रहा था ना वैसे इसमें भी वर्क करेगा। तो आप इसे वैसे तो ट्राई मत करना, बिल्कुल ट्राई करने की कोशिश भी मत करना, पर अगर कभी जैसे भगवान ना करे किसी घर में दुर्घटना हो या ऐसा आस पड़ोस में हो, बट अगर हो जाए तो आप इसे बिल्कुल वहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, वहाँ पे ये वर्क करेगा और बड़े सिलेंडर में भी एज इट इज वर्क करेगा। देखिए गाइस, इतनी ही जान जोखिम में डाल के हमने आपके लिए वीडियो बनाई, इन्फॉर्मेशन वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।